आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आयोजित 15 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में प्रतापगढ़ के अचार के मुरब्बा, सीतापुर के दरी, भदोई के कालीन, जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, उत्तराखंड के सादरी जैकेट, भागलपुर बिहार के सिल्क, पटियाला के जूती, इटावा के चूर्ण, गोरखपुर चौरी चौरा के जूट बैग व अन्य राज्यों जनपद से आए हुए सभी उद्यमियों से उनके उत्पादों की जानकारी ली। जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि PMEGP योजना के अंतर्गत ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 25 लाख पर 35% मार्जिन मनी की सुविधा उपलब्ध है। खादी को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस तरह के प्रदर्शनी के माध्यम से खादी को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि अब युवा वर्ग में खादी का प्रयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनी में पहले दिन 3.70 लाख की बिक्री हुई। इस अवसर पर ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, अभय सिंह, विजय गुप्ता, शिवजी कुंवर, मार्कंडेय सिंह, विजय गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, अरे आइए आप भी जो है आराम से पकड़ लीजिए। अपर जिलाधिकारी नगर श्री ग्रामोद्योग अधिकारी श्री केपाल जी खादी का जो है, खादी का हम लोग घर घर पहुँचाएगा, लक्ष्य बनाए हुए इसी पर्पज से सब खादी जो है। मोटापा हरण से लेके ये खुद मोटे हैं, बताओ कोई मोटे बनाने के लिए जो है लक्ष्य बनाए। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसने बिना शस्त्र दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित रहता है। गांधी जी के ये सब पहले क्या ये भी खादी वाले नहीं वाला इसमें यही मूल मंत्र है उनका, उसको लेकर हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। सारी जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा होता बन सकता है। हम फुल बोले हैं इसकी ये घोषणा हमारा कैसा गुलदस्ता है जो हिंदुस्तान उससे सस्ता है, ये खूबसूरती को हम सबके बीच में न केवल संदेश थी आप सबके बीच में उकेर रहे हैं। इसमें चमड़े का ये है इनका मटेरियल काफी है आपके पास, हाँ तो बस वही रेट बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी या चिपका के भाई ऐसा मोड़ा, अरे तो दोनों चीज़ें लगी है कि इतना बोर्ड लगाओ भाई, आपने डिस्काउंट वाला बोर्ड लगाओ तो कम से कम रहे तो सर खेस यही है। अच्छा खेस ये कितने का है? हम लोग तो जो है पूरे के ये 350 के मात्र हल्के जाने में और मोटा भी है। लेकिन ये अच्छा है, पहले ही चलता ही हल्का जो थोड़ा सा अभी भी दूध ही आती थी सर, वो पहले दूध ही आती थी उस टाइम जो मोटा था। ये सब पुणे में बुनाई किया गया है सर। Thank you.
प्रतिमा पर मालार्पण करेंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा। पैर में लग रहा है करता हूं। श्री केपाल जी, जिला खादी ग्राम करते हैं, अब उसको सब उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, उसको भी ध्यान देना। ये क्या इसी का बना हुआ है? नहीं नहीं, ये तो जी कंचन सिंह। तो आप खादी प्रदर्शन में आई हैं जी, क्या क्या आपको देखने मिला और किस तरह से? मुझे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूनिक दिखती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो टेराकोटा है, माटी कला की जो चीज़ें हैं, मुझे और कहीं दिखता ही नहीं है, बस खादी में ही दिखता है। और बाकी मतलब ये जूट बैग वाला है उद्योग, सब चीज़ें यहाँ पे मुझे और कहीं मतलब यूनिक ही दिखता है, और हर साल कुछ नया नया ही दिखता है। जी जी हाँ, मैंने देखा है सब सर। कितना बढ़ावा मिलेगा इस पर? बढ़ावा तो मुझे लगता है मिलना चाहिए मौसम के हिसाब से भी, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं खादी में। अमृता सिंह नाम है। अभी पड़ोसने में आई हैं जी, क्या क्या देखने को मिला है? और यहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे खिलौने, कालीन वगैरह, हर चीज़ जो हम लोग को चाहिए, हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। कितना बढ़ावा मिलेगा इस तरह के प्रदर्शनी से? बढ़ावा तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, भीड़ की वजह से कितना बढ़ावा है, हर चीज़ मिल रहा है, लोग इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़ावा क्या चाहिए? अच्छे रेट में मिल रहा है, खादी की वजह से लोग सस्ते दामों में हर चीज़ पहन रहे हैं, ले रहे हैं। अगर युवाओं की बात आप भी तो कितना पसंद आएगा? पसंद तो सबको आ रहा है, तभी तो इतना ले रहे हैं, सबको पसंद आ रहा है, और अच्छा भी है, ये सब चीज़ अच्छे दाम पे मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है खादी का एक जो हर एक मंडल में एक खादी का एक प्रोग्राम होता है, प्रदर्शनी होती है, वहाँ पे बहुत सारे जो है अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जनपदों के जो है व्यापारी आते हैं, और व्यापारियों के कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो कम धनराशि की चीज़ें मिल जाती हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इस समय कड़क ठंड का सीज़न हो रहा है, तो यहाँ इस समय बिल्कुल जाड़ों के कपड़े जो है अवेलेबल हैं, और मैं समझता हूँ कि पहले भी रहा है, तो इस समय बहुत सारे जनता जो है गोरखपुर की आएगी और दूर दूर से इसको देखेगी। जो है ये प्रदर्शनी जो है 15 दिन की है जो है, तो अभी हाँ 21 तारीख तक जो है। कितना बढ़ावा मिलेगा इसे ऐसे प्रदर्शनी के माध्यम से, कितना बढ़ावा मिलेगा ये सब चीज़ों को? देखिए ये जो है बहुत सारे जो दूर से आते हैं है, उसका उद्देश्य यही रहता है, एक तो ये है कि जो कुछ चीज़ें नॉर्मली मार्केट में नहीं होती हैं, उन लोगों को हमारे जो व्यापारी आते हैं इस तरह की चीज़ों को, जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से सहयोग के माध्यम से होता है, और उस सहयोग की वजह से ही ये लोग आते हैं, अदरवाइज़ इतनी दूर तक आना इनके लिए संभव नहीं होगा। अभी लोगों में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज आया है, परंतु गिने चुने लोगों में दिखाई देता है, क्योंकि आजकल रेडीमेड का ज़माना हो गया है, लोगों के द्वारा मेहनत करके बनाई हुई चीज़ों पर का भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है एक आम व्यापार मतलब जनता के लिए है, कि कम उन्हें पता चले कि वास्तव में कितनी मेहनत करके कोई चीज़ बनती है, और जो फैक्ट्री के माध्यम से बनती है उनकी स्थिति थोड़ी दूसरी होती है, तो हम लोगों को अपने हैंडीक्राफ्ट वालों को सहयोग मिलना चाहिए जिससे उसका लाभ मिलेगा। नहीं, गोरखपुर के लिए यह है कि 21 तारीख तक ये प्रदर्शनी है, और यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो उनके व्यापारियों की इनकी सामग्रियों को सारी चीज़ को, और जो है अलग अलग जनपदों का है, तो लोगों का जो है लोगों के अंदर जागरूकता हो और इस तरह के सामग्रियों को इस टाइप के आइटम को खरीदें, तो इनका प्रचार प्रसार भी होगा और इनकी बिक्री भी होगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।